श्रीकांत शर्मा, सूर्यकांत शर्मा कन्नौद ने बताया कि गत 5 सितंबर को थाना क्षेत्र के ग्राम मालजीपुरा के आदिवासी मोहल्ला से लेकर के एमवी 41 नेशनल हाईवे पर स्थित होटल तक 33 केवी एमएस के फीडर के कंडेंटर विद्युत लाइन के तार बिजली के खंभों से किन्हीं अज्ञात बदमाशों ने चोरी कर लिए थे। तो वही मामले में विद्युत एमपीपीबी कार्यालय पानीगांव में पदस्थ परीक्षण सहायक अनिल जिगर की सूचना पर पुलिस ने यह प्रकरण को दर्ज कर लिया है और मामले को विवेचना में लिया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह देवास के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा, एसडीओपीएम ज्योति उमट कन्नौज, जिला देवास के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शिवमूर्त यादव, उप निरीक्षक राहुल रावत, प्रधान आरक्षक मोहन सिंह चौहान, आरक्षक बालकृष्ण छापे, राजकुमार जितेन की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आरोपी रामफूल पिता कमल उम्र 28 साल निवासी ग्राम मालजीपुरा तथा विरदोष उर्फ सन्नी पिता रहीस उम्र 26 साल निवासी मेवाती मोहल्ला कन्नौत को गिरफ्तार कर चोरी किए गए बिजली लाइन के तार के साथ ही घटना में प्रयुक्त लोडिंग वाहन तथा मोटरसाइकिल क्रमांक MP41NB2610 कुल कीमत 4,90,000 रुपये का माल जब्त किया गया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। दिनांक 5/9 को पानीगांव के परीक्षण सहायक एमपीबी के द्वारा ये बताया गया कि मालजीपुरा से लेकर MB41 तक तार की चोरी हुई है। इसमें तत्काल थाना प्रभारी शिवमूर्त यादव की टीम सतर्क हो गई और मुखबिरों से पूछा तो रामफूल कोरकू जो मालजीपुरा का रहने वाला है और एक फिरदौस जो मेवाती मोहल्ला कन्नौज में रहता है, इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो 12 बंडल तार इनसे जब्त किया गया है। साथ ही एक महिंद्रा का लोडिंग वाहन भी जब्त किया गया है और एक मोटरसाइकिल भी इनसे जब्त किया गया है, जो कुल 4,90,000 कीमती का मसरूका इनसे जब्त किया गया है। इनसे और पूछताछ की जा रही है और इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। धार जिले के धर्मपुरी में भाजपा युवा